गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो नंबर 2. नाउ वी विल डिस्कस एक्टिविटी नंबर 1, टू लाइट अप अ बल्ब विद एन इलेक्ट्रिक सेल. ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सेल की हेल्प से हम एक बल्ब ग्लो करेंगे. द थिंग्स नीडेड आर टू प्लास्टिक कोटेड कॉपर वायर्स, एन इलेक्ट्रिक सेल, अ बल्ब एंड एन इंसुलेटेड प्लास्टिक कोटेड टेप. ठीक है, इसके लिए हमें दो कॉपर वायर्स चाहिए जिन पे प्लास्टिक कोटिंग हो. वो प्लास्टिक कोटिंग एज इंसुलेटर वर्क करेगी. एक इलेक्ट्रिक सेल, एक बल्ब और इंसुलेटेड प्लास्टिक कोटेड टेप चाहिए. ठीक है, नाउ टेक टू प्लास्टिक कोटेड कॉपर वायर्स विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट. रिमूव द एंड्स ऑफ ईच कॉपर वायर सो एज टू एक्सपोज द बेयर वायर्स. फिक्स द एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ टू वायर्स टू द सेल. Now connect the other end of first wire to the positive terminal and second wire to the negative terminal of the electric cell by putting an insulating tape as shown at position C and D. In figure, what do you observe? The bulb glows. ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है. सबसे पहले जो आपने प्लास्टिक कोटेड कॉपर वायर्स लिए हैं उसमें किसी एडल्ट पर्सन के थ्रू या किसी एल्डर पर्सन के थ्रू हम उसके जो दोनों एंड्स हैं उस पे से प्लास्टिक कोटिंग हटा देंगे. ठीक है, और थोड़ा थोड़ा पार्ट हमारे पास कैसे बच जाएगा, सिर्फ जिस पे कॉपर वायर है. ठीक है, अब हम जो दोनों एंड्स हैं आपके वायर के उनमें से एक वायर लोगे, उसे इस तरीके से बल्ब के मेटल कास्टिंग पे कनेक्ट कर दोगे, दूसरा वायर लोगे उसको उसके टिप पे कनेक्ट कर दोगे. ठीक है, अब जो ए पार्ट वाला प्लास्टिक वायर है इसका दूसरा एंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पे और बी पार्ट वाले वायर का सेकंड एंड डी पोजीशन पे यानी कि सेल के बेस पे जो कि नेगेटिव टर्मिनल है उस पे कनेक्ट कर दोगे. ठीक है, तो अब क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. पॉजिटिव टर्मिनल हमारा क्या है, सी. तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ से हमारी करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी. ठीक है, बल्ब में जाएगी और यहाँ से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल डी तक आ जाएगी. तो ये क्या हुआ आपका पूरा कंप्लीट सर्किट. और सर्किट कंप्लीट होते ही इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा. यू कैन यूज़ अ बल्ब होल्डर टू फिक्स द बल्ब एंड द वायर्स एज शोन इन फिगर 13.5C. हम एक बल्ब होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं इस एक्टिविटी के अंदर. ओके, नाउ वी विल डिस्कस एक्टिविटी नंबर 2, टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब विद एन इलेक्ट्रिक सेल इन डिफरेंट वेज एंड सी इन विच केस द बल्ब ग्लोज. ठीक है, हम इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक सेल के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखेंगे और देखेंगे कि किस केस में बल्ब ग्लो करता है यानी किस केस में सर्किट कंप्लीट होता है और बल्ब ग्लो होता है. ओके, सो द थिंग्स नीडेड आर एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एन इलेक्ट्रिक सेल, प्लास्टिक कोटेड कॉपर वायर्स. द प्लास्टिक कोटिंग एट द एंड्स आर रिमूव्ड सो एज टू एक्सपोज द बेयर कॉपर वायर्स. इंसुलेटिंग प्लास्टिक टेप एंड अ पेंसिल. ठीक है, इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक बल्ब चाहिए, इलेक्ट्रिक सेल चाहिए और कॉपर वायर्स जैसे कि हमने प्रीवियस एक्टिविटी में यूज़ किए थे कि उनकी जो प्लास्टिक कोटिंग थी वो हमने दोनों एंड्स से थोड़ी थोड़ी रिमूव कर दी थी ताकि वहाँ हमें बेयर कॉपर वायर मिल सके. ठीक है, प्लास्टिक टेप नीडेड है और एक पेंसिल टू राइट द ऑब्जर्वेशंस. ओके, नाउ कम टू द मैथड. कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब विद एन इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग कॉपर वायर्स इन 6 डिफरेंट वेज एंड ऑब्जर्व इन ईच केस वेदर द बल्ब ग्लोज और नॉट. ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो 6 अरेंजमेंट्स गिवन हैं, अरेंजमेंट ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट करना है. ठीक है, यूजिंग कॉपर वायर्स. और फिर हर केस के लिए ये देखना है कि बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है. ओके, सो लेट स्टार्ट विद द अरेंजमेंट ए. ओके, वन एंड ऑफ द वायर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल मेटल कैप
of the cell and the other end of the wire is connected to the negative terminal base of the cell. If both the wires are intact, you observe that the bulb lights up as shown in figure 13.6. Okay, हमें क्या करना है, जो कॉपर वायर है उसका एक एंड तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि जो मेटल कैप है इससे कनेक्ट कर देना है, ठीक है, और इसी वायर का एक एंड इस तरीके के बल्ब के सी एंड से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब दूसरा वायर लोगे, उसका एक एंड सेल के नेगेटिव टर्मिनल यानी उसके बेस से कनेक्ट करोगे और उसको बल्ब के डी पॉइंट से यानी इसके बेस से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर ये वायर्स बिल्कुल सही हैं, कहीं से भी टूटे हुए नहीं हैं, तो हम क्या देखेंगे कि हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करने लग गया, ठीक है। बल्ब कौन सी कंडीशन में आ जाएगा, ग्लो कंडीशन में, ठीक है। नाउ नोट डाउन दिस ऑब्जर्वेशन, नाउ कम टू द अरेंजमेंट बी। इन दिस केस वी फाइंड दैट वायर वन इज ब्रोकन, द बल्ब डज नॉट लाइट अप इन दिस सिचुएशन। हम क्या देख रहे हैं कि वायर वन जो है बीच में से टूटा हुआ है और इन दोनों टूटे हुए पार्ट्स के बीच में एयर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होती। दैट मीन्स ए पॉइंट से करंट सी पॉइंट तक नहीं आ रहा, तो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। ओके, नाउ कम टू द अरेंजमेंट सी। इन दिस केस वायर टू इज ब्रोकन सो द बल्ब डज नॉट लाइट अप। इस केस में अब सेकेंड वायर जो है वो टूटा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ भी सेम केस होगा, ए से जो भी इलेक्ट्रिसिटी इस बल्ब तक आएगी वो डी पॉइंट से बी तक तो पहुँच ही नहीं पाएगी। दैट मीन्स सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब भी हमारा ग्लो नहीं होगा, ठीक है। नाउ कम टू द डी अरेंजमेंट। अरेंजमेंट डी में हमने क्या देखा कि ए पॉइंट को, दैट मीन्स सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने कनेक्ट कर दिया है बल्ब के डी टर्मिनल से, जस्ट अपोजिट टू द अरेंजमेंट ए, ठीक है। अरेंजमेंट ए में हमने ए को सी से कनेक्ट किया था, है ना, यहाँ पे हमने ए को डी से कनेक्ट कर दिया। और सेल का जो बी पॉइंट है, दैट मीन्स उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने कनेक्ट कर दिया बल्ब के सी पॉइंट से, ठीक है। Now, what we observe that bulb will light up. इस condition में क्या होगा, bulb जो है वो आपका glow करने लग जाएगा, ठीक है। Reverse the connection as mentioned in arrangement A, as shown in figure. Connect the positive terminal of the electric cell with the D terminal of the electric bulb and negative terminal of the electric cell with the C terminal of the electric bulb. You see that the bulb is lights up. As shown in figure 13.6D, that means इस condition में क्या हो रहा है, bulb glow करने लगेगा क्योंकि अब हमारा circuit वापस से complete हो गया, ठीक है। Now come to arrangement E. Connect both the terminals of the electric bulb only to the negative terminal of the cell. The bulb will not light up as shown in figure 13.6E. अब जैसा कि फिगर में बता रखा है, हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके नेगेटिव टर्मिनल से ही सी और डी पॉइंट से जो भी वायर्स आ रहे हैं उनको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। दैट मीन्स ए टर्मिनल से कोई भी वायर कनेक्ट नहीं कर रहे, बी से ही दोनों कर रहे हैं, ठीक है। तब हम क्या देखेंगे कि बल्ब हमारा ग्लो नहीं हो रहा, ठीक है। नाउ कम टू द अरेंजमेंट एफ। कनेक्ट बोथ द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब ओनली टू द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल। The bulb does not lights up as shown in figure 13.6. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जैसा कि फिगर में बताया है, C और D पॉइंट से जो वायर वन और वायर टू हैं उन दोनों को टर्मिनल A यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। प्रीवियस अरेंजमेंट में हमने C और D के वायर्स को B टर्मिनल यानी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया था, अब हमने दोनों ही वायर्स को पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस कंडीशन में भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकाला कि वायर सबसे पहले तो कहीं से भी ब्रेक नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो इंटैक्ट होने चाहिए, एकदम अच्छे होने चाहिए, ठीक है।
दैट मीन्स जो अरेंजमेंट सी और अरेंजमेंट बी में कंडीशन थी वो दोनों कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे कि अगर हम दोनों वायर्स सेम टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं तब भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी अगर हम दोनों ही वायर्स पॉजिटिव टर्मिनल या दोनों ही वायर्स नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं तब भी हमारे बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। दैट मीन्स बल्ब ग्लो करने की कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। सो द कंक्लूजन इज़ व्हेन देयर इज़ अ कंप्लीट पाथ फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल टू अनदर टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब देन ओनली द बल्ब ग्लोज अप, यानी एक कंप्लीट पाथ बनना चाहिए सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक थ्रू द बल्ब, बल्ब के थ्रू एक कंप्लीट पाथ बनना चाहिए तभी बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। जैसा कि अरेंजमेंट ए और डी में बताया, द बल्ब विल नॉट ग्लो इफ अ वायर इज ब्रोकन, अगर वायर बीच में से टूटा हुआ है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, जैसा अरेंजमेंट बी और सी में हुआ था, ठीक है। द बल्ब ऑल्सो डज नॉट ग्लो इफ बोथ द वायर्स आर कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ द सेल, अगर दोनों वायर्स एक सिंगल टर्मिनल से ही कनेक्टेड होंगे तब भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्टिविटीज़।